Assalamu alaikum. Good morning, student. How are you? Okay, fine. Very nice. बच्चों आप कैसे हो? घर में रह के enjoy करते हो ना? हाँ, तो enjoy के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है. आपका जो CW work है वो भी आपको complete करना है. आपको जो textbook में भी work दिया जाता है वो भी आपको complete करना है. Okay, बच्चों? तो आप अपना CW वर्क और टेक्स्ट बुक का वर्क कंप्लीट करोगी ना? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस. तो चलो आज हम कक्षा एक में रसोई घर का अभ्यास करते हैं. बच्चों, वैसे तो हम रसोई घर जिसको हम किचन कहते हैं, किचन कहा जाता है ना बच्चों, हमारे घर में किचन होता है. मम्मी जहाँ खाना बनाती है वो किचन में बहुत सारी चीज़ें होती है. मम्मी हमारे लिए हर रोज़ नया नया खाना भी बनाते हैं किचन में. जैसे थाली होती है, गिलास होती है, चम्मच होती है, फल रखने की टोकरी होती है, सब्जी रखने के लिए टोकरियाँ, उसके अलावा बहुत सारे बर्तन होते हैं जिसमें मम्मी हमारे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं. जैसे ही किचन की बात आती है हमारे मुँह में पानी आ जाता है. खाने की बात सुन के हमारे मुंह में पानी आ जाता है. वहाँ किचन में हमें हर एक तरह की चीज़ें मिलती है, अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं जिसमें सब कुछ होता है. वहीं से ही मम्मी सारा सब कुछ सामान लेती है और वहीं से ही अच्छे से खाना बनाती है. बच्चों, वैसे हमारे किचन में बहुत अलग अलग जो होता है वो अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं. बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्तनें रखी जाती हैं, जैसे कढ़ाई होता है, कुकर होता है, छिलनी होती है, चाकू होता है, थाली होती है, गिलास होता है, फिर पतली बेलन जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर मम्मी रोटी बनाती है, सब कुछ होता है. और जिसमें हम खाना भी खाते हैं वो थाली होती है, वो जिसको हम डिश भी कहते हैं वो भी होता है. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और हमारे जो रसोई घर है, किचन है, वो किचन हमेशा हमें साफ सुथरा अच्छा लगता है. तो बच्चों, हम साफ सुथरा रखेंगे ना हमारा किचन? हाँ, वेरी गुड. अब हम आगे देखते हैं बच्चों. वैसे बच्चों, ये देखो पिक्चर, यहाँ किचन का ही पिक्चर है. गैस है जिसके ऊपर मम्मी खाना बनाती है, उसके ऊपर कुकर रखा है और उसके साथ अलग अलग तरह के बर्तने भी हैं. देखो मम्मी हमारे लिए अलग अलग खाना बनाती है ना, वो किस में बनाती है? कभी कभी कढ़ाई में बनाई जाती है सब्जी, तो कभी कुकर में बनाते हैं. तो इसी तरह अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं. अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए मम्मी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती. देखो बच्चों, ये क्या है? गैस का चूल्हा है जिसको हम चूल्हा कहते हैं, जिसके ऊपर मम्मी खाना बनाती है. तो चूल्हे के ऊपर मम्मी ने कढ़ाई रखी है और वहाँ सब्जी बनाई हुई है. बच्चों, हम सब्जी खाते हैं ना, सब्जी खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है. तो मम्मी सब्जी किस में बनाती है? कढ़ाई में बनाती है. किस में बनाती है? कढ़ाई में बनाती है. आप खाओगे ना बच्चों सब्जी? हाँ, वेरी गुड. अब देखते हैं किचन में उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है. और किचन को अच्छे से हम रखते हैं, साफ़ सुथरा अच्छे से सारी चीज़ों को उनकी जगह पे अच्छे से हम रखते हैं. और मम्मी उसको साफ़ सुथरा करके अलग से उनके जो जो भी बॉक्स होते हैं, जो जो भी खाने होते हैं उसमें सब कुछ रखा जाता है. वैसे हमारे किचन में अलग अलग तरह की ये बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई होती है, कुकर होता है, छिलनी होती है, छुरी होती है, उसके अलावा और भी बर्तने होते हैं, बहुत सारे बर्तने होते हैं. क्योंकि हमारे किचन में वैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्तने दिखाई देते हैं, जैसे कि पैन होता है, फिर कुकर होता है जिसमें सब कुछ बनाया होता है, सब्जी होती है, सब्जी के लिए रखने के लिए जो साधन का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी होता है, कचरा रखने के लिए भी वहाँ हम डस्टबिन रखते हैं.
और हमारा किचन साफ सुथरा और बहुत अच्छे से हम रखते हैं। तो बच्चों ये जो किचन है आप अपना साफ सुथरा रखोगे ना, हाँ, तो इसी तरह ये जो सारे बर्तन होते हैं उस बर्तनों में मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है और वो खाना हमें पसंद होता है। जैसे पैन, तो पैन में मम्मी क्या बनाती है, चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। ये पैन है, देखो बच्चों कितनी अच्छी तरह से दिखाई देती है। मम्मी इसमें हमारे लिए क्या बनाती है, चाय बनाती है। आपको चाय पसंद है ना बच्चों, हाँ, वेरी गुड। तो इसके लिए मम्मी ये जो किचन में रखे अलग अलग जो बर्तने होती हैं वो बर्तनों का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा देखो बच्चों गैस पे जो चूल्हा कहते हैं, जिसको हम हिंदी में चूल्हा कहते हैं, चूल्हे पर खाना पकाया जाता है। मम्मी आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं ना, तो किस पे बनाते हैं, चूल्हे पे, गैस पे बनाते हैं। गैस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, चूल्हा कहते हैं, और उसके ऊपर हमारे लिए खाना मम्मी बनाती है। उसके अलावा हमारे किचन में अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, अलग अलग बर्तन होते हैं, डिब्बे होते हैं, गिलास होती है, पैन होता है, छिलनी होती है, फिर उसके अलावा थालियां जिसको हम डिश कहते हैं वो होते हैं। अलग अलग चीज़ों से हमारा पूरा किचन भरा हुआ रहता है। तो बच्चों अब हम आगे लेसन 7 रसोई घर का रीडिंग करते हैं। तो बच्चों आप मेरे साथ रीडिंग करना, आप भी मेरे साथ उसका रीडिंग करना। आप अपने टेक्स्ट बुक में अपनी फिंगर रखो और मेरे साथ आप अपना रीडिंग करो। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों फिर से रीड करते हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। फिर से एक बार, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। यहाँ हमें चकला बेलन जिसके ऊपर मम्मी रोटी बनाती है ना, वो चकला बेलन चाकू जिससे मम्मी सब्जी फल सब कुछ काटती है, और छलनी छलनी जिससे हम चाय छानते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया है। अब आगे रीड करती हूँ। मैं चाकू सब्जी फल काटूँ, मैं चाकू सब्जी फल काटूँ, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूँ, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजा कर। चलो बच्चों आप भी मेरे साथ पढ़ो। मैं चाकू सब्जी फल काटू, क्या लिखा है, चाकू, क्या लिखा है, चाकू। मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजा कर। वेरी गुड। तो यहाँ चाकू जिससे हम सब्जी काटते हैं ना उसके बारे में बताया गया है, जिससे हम सब्जी काटते हैं फल काटते हैं तो वो चाकू के बारे में यहाँ बताया है। और आगे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों मेरे साथ पढ़ना। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली, बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली, मुझ में रोटी सब्जी डाली, और सभी ने झटपट खा ली, और सभी ने झटपट खा ली। फिर से बच्चों एक बार फिर से पूरी पोयम रीड करते हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटू, मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको
बाटु गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजा कर गोल चांद सी हूँ मैं थाली गोल चांद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली मुझ में रोटी सब्जी डाली मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। हाँ बच्चों, जैसे हमने देखा ना रसोई घर यानी किचन, जिसको हम किचन कहते हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। तो मुन्ना मुन्नी क्या खोल रहे हैं? रसोई घर की खिड़की, खिड़की यानी विंडो, जिसको हम विंडो कहते हैं ना बेटा। तो मुन्ना मुन्नी वो भी आपकी तरह छोटे बच्चे हैं, मुन्ना और मुन्नी, वो दोनों किचन की खिड़की खोलते हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। तो ये दोनों क्या देखते हैं कि अंदर जो चकला है बेलन, जिसको हम पतली बेलन कहते हैं, जिसके ऊपर रोटी बनाई जाती है, वो उसको क्या कहा जाता है? चकला बेलन। तो चकला बेलन और चाकू, चाकू जिससे हम सब्जी और फल काटते हैं वो, और छलनी, छलनी उसको क्या कहा जाता है? छलनी। तो छलनी जिससे हम चाय छानते हैं। तो वो सब अंदर अंदर बोल रहे हैं, बोल रहे यानी बातें कर रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटू, चाकू क्या कहता है? मैं चाकू हूँ, मैं चाकू हूँ और मुझसे सब्जी और फल काटी जाती है। मुझसे क्या होता है? सब्जी और फल काटते हैं। टुकड़ा टुकड़ा सबको बाटू, वो क्या कहते हैं? वो जो सब्जी है जो, तो बच्चों चाकू का क्या काम होता है? फल और सब्जी काटना। उसका काम क्या होता है? फल और सब्जी काटना। और उसके हम क्या करते हैं? फल और सब्जी के टुकड़े करते हैं। तो इसके लिए वो कहता है कि मैं सब्जी और फल काटता हूँ और जो टुकड़े होते हैं वो सबको मैं बांटता हूँ, सबको देता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजा कर, मुझसे आप क्या कर सकते हो? गाजर और मूली काट सकते हो, प्याज भी काट सकते हो, टमाटर भी काट सकते हो। हम सलाद के लिए सारी चीज़ें काट कर अच्छे से प्लेट में सजा कर रखते हैं ना। तो इसके लिए वो कहता है कि गाजर है, मूली है, प्याज टमाटर सारी चीज़ें अच्छे से छील कर काट कर और प्लेट में अच्छे से सजा कर हम रख सकते हैं, अच्छा सा हम सलाद तैयार कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मुझसे काटी जाती हैं। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, मैं कैसी थाली हूँ? गोल, गोल पर कैसी? चांद जैसी। चांद कैसे होता है? गोल होता है और एकदम सफ़ेद होता है, एकदम साफ सुथरा होता है। तो ये भी कहते हैं कि मैं भी एक कैसी थाली हूँ? चांद जैसी गोल थाली हूँ और मज सकती हूँ बनकर ताली। अगर मुझे बजाया जाता है तो मैं ताली जैसी बज सकती हूँ और मैं अच्छी तरह दिख सकती हूँ। मुझ में रोटी सब्जी डाली, मुझ में क्या रखा जाता है? रोटी और सब्जी खाने के लिए। जब मम्मी खाना तैयार करती है और खाने के बाद हम खाने के लिए बैठते हैं, तो मम्मी हमें थाली में क्या देती है? रोटी सब्जी देती है। तो कह दे, तो मुझ में रोटी सब्जी डाली में आप क्या करती हैं? थाली में लेकर रोटी सब्जी लेकर खाने बैठते हैं। तो मुझ में क्या रखा जाता है? रोटी और सब्जी रखी जाती है और सभी ने झटपट खा ली, और सभी जल्दी जल्दी झटपट जल्दी जल्दी सभी खाते हैं, यानी खाना खाते। मैं इतनी अच्छी हूँ कि सब मुझ में खाना खाते हैं। तो बच्चों आपको ये जो रसोई घर है, ये जो किचन है, वो किचन में क्या क्या चीज़ें होती है, किचन में क्या क्या बनता है और यहाँ कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे चकला है, बेलन है, चाकू है, छलनी है जिससे हम सारी जो चीज़ें हैं, चाकू है जिससे हम फल और सब्जी काट सकते हैं, चकला बेलन जो है जिससे हम रोटी बना सकते हैं, अच्छे से रोटी बनाते हैं, थाली होती है तो थाली में हम खाना खाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें हमारे रसोई घर में भी दिखाई दे रही है। वैसे तो रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ हमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों आप भी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 पर
जो रसोई घर दिया है वो पूरा अच्छे से आपको रीडिंग करना है, अच्छे से आपको उसको रीडिंग करना है और समझना है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा जो रसोई घर है वो रसोई घर आपको समझ में आ गया होगा। जिसको हम किचन कहते हैं उसको हिंदी में रसोई घर कहा जाता है, वो हमारे घर का एक हिस्सा होता है जिसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपको भी पता होता है, आपको भी कभी भूख लगती है, आप किचन में मम्मी के पास खाने के लिए खाना मांगने के लिए जाते हो ना बच्चों, तो इसी तरह जो ये रसोई घर है ये रसोई घर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हम खाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये जो कहानी है वो कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।